हम नेक्स्ट सी प्रोग्राम्स रिलेटेड टू परफॉर्मिंग मल्टीपल ऑपरेशंस बेस्ड ऑन चॉइस ऑपरेशंस और बेस्ड ऑन मल्टीपल चॉइसेस व्हिच इज परफॉर्म बाय यूजिंग स्विच स्टेटमेंट्स. लेट्स सी रीड दिस प्रोग्राम. व्हाट इज मीन बाय दिस प्रोग्राम? देन आफ्टर रीडिंग प्रोग्राम वी आर डिस्कसिंग लॉजिक्स फॉर इंप्लीमेंटिंग दैट प्रोग्राम्स. इस प्रोग्राम के रिस्पेक्ट मैंने सोर्स कोड ऑलरेडी राइट डाउन कर रखा है जस्ट बिकॉज ऑफ सेविंग योर टाइम्स नथिंग एल्स. इन दैट केस ऑपरेशंस क्या हैं? परफॉर्मिंग नंबर ऑपरेशन. देयर आर फोर ऑपरेशंस आर अवेलेबल. रिवर्स द नंबर और रिवर्स द डिजिट ऑफ गिवन नंबर्स. डिस्प्ले सम ऑफ द डिजिट्स. डिस्प्ले सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिजिट्स और डिस्प्ले और काउंट द डिजिट्स इन द एंटर नंबर्स लाइक दैट. इस केस में टोटल फोर ऑपरेशंस परफॉर्म करना है. रिवर्स द डिजिट्स, डिस्प्ले और कैलकुलेट सम ऑफ द डिजिट्स, काउंट द डिजिट्स इन द एंटर नंबर और स्क्वायर ऑफ द डिजिट्स. वन मोर थिंग्स, इस केस में टोटल फोर ऑपरेशंस है. फोर ऑपरेशंस के रिस्पेक्ट में ऑपरेशंस इंप्लीमेंट करें बेस्ड ऑन स्विच. नेक्स्ट वन, इस केस में सिंगल टाइम वन टाइम ऑपरेशंस परफॉर्म न करेंगे. सम फाइनाइट सेट ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म करें बाय यूजिंग सम लूप्स और लूपिंग स्टेटमेंट. सारे लॉजिक्स पुट डाउन करें इनसाइड बॉडी ऑफ लूप. लूप के रिस्पेक्ट में ऑपरेशंस मल्टीपल टाइम्स परफॉर्म कराना पॉसिबल. दूसरा केस, लूप के अंदर कॉन्स्टेंट कंडीशंस अप्लाई करें जो कि कभी भी फॉल्स होने के चांसेस नहीं है. इस केस में लूप को टर्मिनेट कराएं बाय यूजिंग सम एग्जिट फंक्शन विद द हेल्प ऑफ स्विच स्टेटमेंट और एग्जिट फंक्शंस. इस प्रोग्राम को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले प्रोग्राम के स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग बात करें. मीन्स टिल नाउ वी आर क्रिएटिंग एवरी प्रोग्राम. एग्जीक्यूशन विल बी स्टार्ट्स फ्रॉम मेन फंक्शंस. मेन के अंदर सबसे पहले राइट डाउन करें वेरिएबल डिक्लेरेशंस, प्रोवाइडिंग वेरिएबल डिक्लेरेशंस. देन मैनेजिंग सम इनफाइनाइट लूप. अगर कोई भी लूप आपको इनफाइनाइट टाइम्स एग्जीक्यूट कराना है, इसके इसमें कोई भी पॉजिटिव या नॉन जीरो नंबर सप्लाई करना पॉसिबल है. ऑलरेडी डिस्कस किया है. अगर कंडीशंस के प्लेसेस पर जीरो सप्लाई करें, जीरो मीन्स फॉल्स. रिमेनिंग जीरो के अलावा अगर कोई भी नॉन जीरो नंबर पास करते हैं, मे बी 1, 10, 20, -5 लाइक दैट एनी नंबर्स. सभी नंबर से रिप्रेजेंट क्या हो, कंडीशन इज ऑलवेज ट्रू. अगर कोई भी लूप कॉन्स्टेंट वैल्यूज अप्लाई करके राइट डाउन के देने, इसके इसमें कंडीशंस कभी भी फॉल्स होने के चांसेस नहीं. प्लस इसका एग्जीक्यूशन कैसा है, इनफाइनाइट टाइम ऑफ एग्जीक्यूशंस. ठीक है, इस केस में अगर इनफाइनाइट ऑपरेशंस प्रबंधन लूप से बाहर आने के लिए अल्टरनेटिव यूज करेंगे बाय यूजिंग एग्जिट फंक्शंस. नेक्स्ट वन, लूप के अंदर नेक्स्ट वन पोर्ट्स फंक्शन के थ्रू डिस्प्ले किया करें सम मेन्यू. मेन्यू मीन्स अवेलेबल चॉइस लाइक दैट प्रेस 1-4 टू परफॉर्म रिवर्स, सेम एज प्रेस 2-4 टू परफॉर्म सम ऑफ द डिजिट्स एंड सो ऑन. अ लॉट ऑफ चॉइसेस आर अवेलेबल. टोटल चॉइस कितने इस केस में? फोर चॉइस. थर्ड चॉइस क्या है? काउंट द डिजिट्स और स्क्वायर ऑफ द डिजिट्स. चॉइस यूज करोगे देन चॉइस के बाद फिफ्थ चॉइस यूज करेंगे एज अ एग्जिट. मीन्स अगर प्रोग्राम से बाहर जाना या प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन टर्मिनेट करना, देन केस फाइव के अंदर राइट डाउन करेंगे कॉल करेंगे एज अ एग्जिट फंक्शंस. नेक्स्ट वन, प्लस सारे ऑपरेशन स्विच के अंदर परफॉर्म कराएंगे. स्विच किस फॉर्म में? स्विच डायरेक्टली राइट करोगे इनसाइड व्हाइल कंडीशंस, इनसाइड बॉडी ऑफ व्हाइल लूप. मीन्स अगर कोई भी लॉजिक्स लूप के अंदर राइट डाउन करते हैं, लॉजिक्स का एग्जीक्यूशन कितनी बार परफॉर्म हुआ डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ व्हाइल इटरेशंस. इस केस में व्हाइल इनफाइनाइट टाइम एग्जीक्यूटली ऑपरेशंस भी इनफाइनाइट टाइम परफॉर्म होने के चांसेस होंगे. बट सपोज अगर यूजर ने चॉइस पेस किया जाए 5, देन केस 5 के अंदर एग्जिट फंक्शन कॉल करा के लूप को टर्मिनेट करना पॉसिबल है. देन स्विच के अंदर टोटल केस कितने इंप्लीमेंट होंगे? केस वन के अंदर लॉजिक्स कैलकुलेट कराएंगे टू परफॉर्म रिवर्स ऑपरेशन, सेम एज केस 2. प्लस इसके बाद जस्ट यूज करेंगे ब्रेक स्टेटमेंट. इस केस में ब्रेक का वर्किंग क्या है? टर्मिनेटिंग एग्जीक्यूशन ऑफ स्विच नॉट अ टर्मिनेटिंग लूप. लूप एग्जिट फंक्शन कॉलोमी से ब्रेक वर्क किसके लिए करेगा? करेंट स्विच स्टेटमेंट के लिए. प्लस स्विच के अंदर आर्गुमेंट में क्या पास करेंगे? चॉइस वेरिएबल समथिंग सी एच, देन सेम एज केस 2. केस 2 के अंदर परफॉर्म कराएंगे समथिंग रिवर्स, देन सम ऑफ द डिजिट्स, सेम एज केस 3, केस 4 एंड सो ऑन. फाइनली इस केस में ओनली केसेस के फॉर्म में अगर बात करें, केसेस के अंदर ओनली मेन लॉजिक स्पार्ट के नॉट अ रीड राइट ऑपरेशंस. ये सभी ऑपरेशंस के लिए कॉमन इनपुट क्या है? नंबर. इसलिए नंबर को रीड करें जस्ट बिगिनिंग ऑफ द मेन्यू और बिगिनिंग ऑफ द स्विच. स्विच केस में चॉइस एंटर होने के जस्ट बाद, वन मोर थिंग्स, चॉइस रीड होने के जस्ट बाद नेक्स्ट टाइम रीड क्या करोगे? नंबर. ठीक है, नंबर एक ही केस में रीड करेंगे. इफ
चॉइस इज नॉट इक्वल टू 5. सपोज स्टेड अगर चॉइस ऑलरेडी 5 एंटर किया है, इसका मतलब कि आप प्रोग्राम से बाहर जाना चाहते हो या एग्जिट ऑपरेशन परफॉर्म कराना चाहते हो, उस केस में कोई भी ऑपरेशन ही परफॉर्म नहीं हो, इसलिए नंबर रीड करने की जरूरत नहीं. इसलिए नंबर कंडीशनली रीड करें ना कि डायरेक्टली. कंडीशनल मीन्स अगर सी इफ सी एस इज नॉट इक्वल टू 5 देन ओनली वी आर रीडिंग नंबर्स, अदरवाइज देयर इज नो नीड ऑफ रीडिंग इनपुट्स फ्रॉम अ कीबोर्ड. नेक्स्ट वन एंड, स्विच के एंड में परफॉर्म क्या कराएं, डिस्प्लेइंग रिजल्ट. एंड ऑफ द स्विच, स्विच के अंदर सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करने के जस्ट बाद परफॉर्म क्या कराएंगे, प्रिंट एफ डिस्प्लेइंग रिजल्ट. रिजल्ट डिस्प्ले कराने के बाद देन क्लोजिंग स्विच. स्विच ऑलरेडी क्लोज हो चुका है, जब से रिजल्ट का डिस्प्ले कराएं आउटसाइड बॉडी ऑफ स्विच, देन क्लोजिंग व्हाइल लूप, देन क्लोजिंग मेन फंक्शंस. इसे प्रोग्राम इस सीक्वेंस में राइट डाउन करेंगे. चेक करते हैं फर्स्ट वन, इसके साथ टोटल वेरिएबल्स कितने रिक्वायर्ड हैं. वन थिंग्स इज सी एच, मीन्स चॉइस रीड करोगे, नंबर रीड कराओगे, रिजल्ट. टोटल वेरिएबल डिक्लेरेशंस कितने रिक्वायर्ड, ओनली 3 वेरिएबल डिक्लेरेशंस. देयरफॉर इस प्रोग्राम में मैंने टोटल वेरिएबल्स कितने रिक्वायर्ड किए, नंबर, रिजल्ट और सी एच. नेक्स्ट थिंग्स, इसके जस्ट बाद इम्प्लीमेंट क्या किया है, इनफाइनाइट लूप. देयरफॉर वी आर राइटिंग व्हाइल वन, वन के प्लेस पर कोई भी नंबर यूज करना पॉसिबल है एक्सेप्टिंग 0. नेक्स्ट वन डिस्प्लेइंग मेन्यू, मेन्यू में क्या क्या है इसके, इसमें 1 फॉर रिवर्स ऑपरेशंस, 2 फॉर सम ऑपरेशंस, 3 फॉर काउंट ऑपरेशंस, 4 फॉर सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिजिट लाइक दैट, 5 4 एग्जिट, देन फाइनली रीडिंग चॉइस, एंटर चॉइस. चॉइस रीड होने के बाद जस्ट आसानी से समझ आया वेरिएबल सी एच में, अगर चॉइस का वैल्यू 1 प्रेस किया है एनी थिंग्स, अगर चॉइस का वैल्यू 5 है देन 5 के केस में कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा नंबर रीड नहीं होगा. चॉइस रीड करने के जस्ट बाद नेक्स्ट रिक्वायर्ड ऑपरेशन क्या, रीडिंग नंबर. लेकिन नंबर कब रिक्वायर्ड हुआ, इफ चॉइस इज नॉट इक्वल टू 5. इसलिए नंबर को डायरेक्टली रीड न करके कंडीशंस के बेस पर रीड करा, मीन्स अगर एक कंडीशन ट्रू है देन ओनली नंबर रीड करने की नीड है. कंडीशन में अगर फॉल्स है, फॉल्स किस केस में होगा, सी एच के वैल्यू 5 है, 5 है तो इसका मतलब कि आप एग्जिट ऑपरेशन परफॉर्म करने में इंटरेस्टेड हो, एग्जिट मीन्स केस 5 एग्जिट और चांस किसको मिलेगा एग्जिट, और एग्जिट के लिए कोई भी नंबर रीड करने की नीड नहीं है. नेक्स्ट वन, नंबर रीड करने के बाद चॉइस वेरिएबल सप्लाई किया इनसाइड स्विच प्लस सी एच, चॉइस ऑलरेडी रीड कर चुके थे, नेक्स्ट टाइम रीड किया गया नंबर, दोनों इनपुट्स अवेलेबल हैं. देन या तो केस 1 एग्जिट, अगर केस 1 एग्जिट हो जाएगा मीन सबसे पहले सी एच का वैल्यू किस से मैच होगा, केस 1 से, देन केस 2. जब तक कोई मैचिंग केस फॉर्म नहीं होता तब तक ये केस एग्जिट होंगे, केस मैच होने के जस्ट बाद देन करेस्पॉन्डिंग ऑपरेशंस परफॉर्म. मीन्स टोटल लॉजिक्स मैंने 4 केसेस के अंदर पढ़ी. फर्स्ट केस में ऑपरेशंस किस से रिलेटेड है, रिलेटेड टू रिवर्स ऑपरेशंस, ऑलरेडी परफॉर्म कराया था ड्यूरिंग प्रीवियस सेशंस. सेवन केस 2 के फॉर्म में, या केस 2 के केस में परफॉर्म किया रहा सम ऑफ द डिजिट, दिस इज द लॉजिक्स फॉर सम ऑफ द डिजिट. इस केस में कहीं भी रिजल्ट को डिस्प्ले नहीं करा, ओनली रिजल्ट को कैलकुलेट किया सभी प्लेसेस पर. प्लस सारे केस एग्जीक्यूट, कोई भी केस एग्जीक्यूट होने का चांस किसको मिलेगा, ब्रेक को, ब्रेक के जस्ट पर कंट्रोल कॉन्सेंट हुआ आउटसाइड बॉडी ऑफ स्विच. ये कंट्रोल स्विच के बॉडी के बाहर आएगा, मीन्स केस 5 अगर एग्जीक्यूट होता है देन एग्जीट, देन प्रोग्राम से बाहर चले जाओगे. अदरवाइज अगर कंट्रोल स्विच से बाहर आया देन स्विच के बाहर परफॉर्म क्या कराना है, डिस्प्लेइंग रिजल्ट. इसलिए प्रिंट एप में डिस्प्ले क्या करा है, वैल्यू ऑफ रिजल्ट, देन क्लोजिंग लूप, क्लोजिंग मेन फंक्शंस. और इस केस में आपको मीन्स इस केस में प्रोग्राम कब तक एग्जीक्यूट हुआ, जब तक सी एच के वैल्यू 5 प्रेस नहीं किया है. जैसे सी एच के वैल्यू 5 प्रेस हुआ, केस 5 एग्जीक्यूट देन चांस किसको मिलेगा, एग्जिट फंक्शंस. वन मोर थिंग्स, तो इस प्रोग्राम को और लॉजिकल बना, इस केस में बिगिनिंग में राइट डाउन कर सकते हैं जैसे सी एल आर एस सी आर, ऑप्शनल नॉट अ कंपल्सरी. मीन्स एवरी टाइम रिजल्ट डिस्प्ले होने के बाद प्रीवियस रिजल्ट क्लियर हो जाएगा, देन डिस्प्ले क्या होगा, एवरी टाइम न्यू रिजल्ट और न्यू मैसेज. वन मोर थिंग्स, अगर सी एल आर एस सी आर लूप के बिगिनिंग में यूज किया देन लूप के एंड प्लेस पर गेट सी एच फंक्शन भी यूज करना कंपलसरी होगा. अदरवाइज मीन्स आपको मैसेज विजिबल नहीं हो, मैसेज विजिबल होने से जस्ट पहले ऑलरेडी चांस किसको मिल जाएगा, इमीडिएटली सी एल आर एस, इसलिए प्रीवियस रिजल्ट ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे. इज द लॉजिकल वे.